नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वजीत रिसर्च सेंटर में। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हम लोगों को अगर सुपर पावर इन इकोनॉमी और मिलिटराइज दोनों जगह पे होना है, सैन्य शक्ति में महाशक्ति और पैसे में भी महाशक्ति अगर हमको बनना है, तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मैं आज एक बात करने वाला हूँ एक ऐसे खतरनाक मिसाइल का जो कि भारत का नंबर 1 मिसाइल है एयर टू एयर के लिए। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ अस्त्रा मिसाइल का। ये भारत का सबसे डेडलियस्ट एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे हम BVR के नाम से भी जानते हैं। BVR का फुल फॉर्म बता दूँ, बियॉन्ड विजुअल रेंज। ये पहला अस्त्रा Mk1 आया था, और अभी इसका लेटेस्ट वर्जन एक उतर चुका है, अस्त्रा Mk2। और इसको सबसे बड़ी बात बता दूं, ये हम लोगों को एक बहुत ही बड़ा एज देता है एयर टू एयर फाइट में। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको बताता चलूं कि किसी भी देश को अगर सैन्य सुपर पावर बनना है, तो उसके लिए सबसे बड़ा एक चाल होता है या एक स्टेप जो होता है कि अपना डिफेंस सेक्टर को आप प्राइवेटाइज करें। अब आप लोग पूछेंगे कि प्राइवेटाइज क्यों, किस लिए? क्योंकि आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, ये जो USA है, फ्रांस है, यूरोपियन यूनियन है, जितने भी डेवलप कंट्री है जो सैन्य महाशक्ति अभी के नाम पे जाने जाते हैं, उनका 99% जो भी डिफेंस का इक्विपमेंट्स बनते हैं वो प्राइवेट सेक्टर ही बनाते हैं। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम जो हैं, हम अपना छोटा से छोटा चीज भी सरकारी जगह पर ही बनाते थे। अब आपके मन में एक सवाल आया रहेगा कि मैं प्राइवेट कंपनी की बात क्यों कर रहा हूँ। पहली बात तो, प्राइवेट कंपनी को देना सही है या गलत है? मेरे हिसाब से, या आप जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स को पूछेंगे उनके हिसाब से, प्राइवेट कंपनी को ये सब चीज़ें देनी चाहिए। क्यों, बताता हूँ मैं। पहली बात तो, सबसे बड़ी खूबी जो रहती है प्राइवेट कंपनी में वो होता है ट्रांसपेरेंसी। आपको पारदर्शिता बिल्कुल रहती है, क्योंकि जैसे ही ये चीज़ें शेयर कंपनीज जाती हैं, अपना प्राइवेट कंपनीज, वो लिस्टेड हो जाती हैं शेयर मार्केट में। और जैसे ही वो लिस्टेड होती हैं शेयर मार्केट में, उनको हर क्वार्टर यानी हर एक क्वार्टर में 3 महीने के बाद उनको अपना जो प्रॉपर अकाउंट है वो रिवील करना पड़ता है, सामने शो करना पड़ता है कि उन्होंने कितना खर्चा किया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। दूसरी बड़ी बात, और इसमें एक चीज है कि इनको जवाबदारी बन जाती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जब वो बन गया तो जैसे ही लिस्टेड हो गया, उसको अपने शेयर होल्डर्स को जवाब भी देना पड़ता है, और वो हरदम ही ये चाहती हैं कि मेरी कंपनी प्रॉफिट में हो और हम प्रॉफिट से काम करें, हम कभी भी लॉस में ना जाएं। लेकिन सरकारी जगहों पर ये चीजें नहीं हो पाती हैं, जो हमने कई दशकों से झेला हुआ है। और सरकारी जगहों पर काम कैसे होता है, अगर एक नॉर्मल सर्टिफिकेट भी आप लेने जाएं तो वहाँ पे काम कैसा होता है, ये मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उतना स्लो काम कहीं भी नहीं होता है जितना सरकारी कंपनियों में होता है। और ये सिर्फ इंडिया का ही लेके नहीं है कि भारत में ही सरकारी कंपनियां स्लो है, आप पूरा लिस्ट उठा लीजिए कोई भी कंट्री का, हर कंट्री बिल्कुल से बिल्कुल सरकारी जगह जो है वो स्लो काम ही करती है, क्योंकि उनकी टेंडेंसी ही वही रहती है। एक और बहुत बड़ा फायदा होता है, जब प्राइवेट कंपनियां अपने आप को प्रॉफिट दिखाना चाहती हैं, तो वो कभी भी अपने चीजों को टाइम से पहले करती हैं, विद इन द प्राइसेस करती हैं, प्राइसेस भी उनका लो रहते हैं और क्वालिटी में एक नंबर रहती हैं। मैं ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ जिसके ऊपर है कि प्राइवेट कंपनियां कितनी आगे जाती हैं। मैं अगर आपको बताता चलूं, अभी भारत ने अपना स्टेप आगे उठा लिया है और उसने कहा है कि हम प्राइवेटाइजेशन पे जा रहे हैं, और ये अस्त्रा Mk2 जो है DRDO अपनी टेक्नोलॉजी जा रहा है देने BDL को। अभी आप बोलेंगे BDL को क्यों, BDL एक प्राइवेट कंपनी है, ये तो बहुत प्राइम टेक्नोलॉजी है अस्त्रा 2 का। दुनिया में इससे अच्छा एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल जो मिसाइल है, इससे सस्ता और इससे अच्छा किसी के पास नहीं है। लेकिन देखिए, BDL एक बहुत ही मंझा हुआ खिलाड़ी है डिफेंस सेक्टर में बहुत दशकों से, और ये हरदम अपने आप को प्रूफ कर चुका है कि मैं क्वालिटी प्रोडक्ट दूंगा ऑन टाइम या टाइम से पहले।
इस पर भी देखिए, अगर हमको बनना है सुपर पावर तो इतना रिस्क तो छोटा सा लेना पड़ता है कि प्राइवेटाइजेशन आपको करना पड़ेगा, और हमारी जो कंपनियां प्राइवेट हैं वो इतना ज़्यादा बूस्ट नहीं कर पा रही हैं। जब उनके पास ऑर्डर ही नहीं रहेंगे या मिलेगा ही नहीं तो कैसे बूस्ट करेंगी। आप समझ के चलिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, और आपको ये चीज़ें प्राइवेट से पहले बन के आ जाती हैं, क्वालिटी में आ जाती हैं, तो कैसे रहेगा। हमारी कंपनियां सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें ही बनाती हैं अभी तक प्राइवेट सेक्टर में। गोली बना दिया, एक स्नाइपर गन बना दिया, बंदूक बना दिया, उनको भी ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताता चलूँ, AK-203 जो हमने रशिया के साथ कोलाबरेट करके बनाया है गन, उससे अच्छा गन SS-SS डिफेंस के पास है, उससे सेम क्वालिटीज के डिफेंस आइटम उनके पास है, लेकिन हम उनसे नहीं लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी कमी है भारत में, जिसको भारत सरकार ने आइडेंटिफाई कर लिया है और वो इस पर आगे बढ़ रही हैं। अभी आपको बता दूं, अगर आपको विश्वास अभी भी नहीं हो रहा है, हमारी कंपनियां छोटी छोटी चीज़ें बनाती हैं प्राइवेट में, और वहीं पे दूसरी कंपनियां जो हैं, बड़ी कंपनियां जो हैं बाहर के, यूरोप की या USA की, मैं आपको नाम गिना देता हूं कुछ नाम, वो लोग फाइटर जेट्स तक बनाती हैं, जो हमको भी आगे जाकर करना पड़ेगा। आप समझ के चलिए, जो भी है, बोइंग हर चीज़ प्राइवेट है, USA का है, लॉकेट मार्टिन जो एरोप्लेन्स बनाती है, बोइंग भी फाइटर जेट्स बनाती है, रविंशिया सबमरीन्स बनाती है, स्पेन की है, मिग आपका हो गया, सुखोई हो गया रशिया का, सब प्राइवेट कंपनी है, कमिंस जो इंजन्स बनाती है अपना टैंक्स के लिए और फ्रिगेट्स के लिए, शिप्स के लिए, वो भी प्राइवेट है, रोल्स रॉयस जिसके साथ हम मिलकर 6th जनरेशन इंजन बनाने वाले हैं DRDO, वो भी आपकी प्राइवेट है, प्रैट एंड व्हिटनी वर्ल्ड का सबसे अच्छा इंजन वो बनाती है, वो भी प्राइवेट है। तो प्राइवेट सेक्टर्स आपको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देते हैं इंडियन इंडस्ट्री में। आपको एक और बात बताता चलूँ, चलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, मैं आपको भारतीय कंपनियां गिना देता हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा डेवलप हैं इन सेंस ऑफ प्राइवेटिज्म, और इनका क्वालिटी और आप डिलीवरी देख लीजिए। अस्त्रा BDL ही बनाती है या बनाने वाली है, ब्रह्मोस जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है वो भी प्राइवेट कंपनी ही बनाती है, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। चक्रा जो ये आप ड्रोन देख रहे हैं, ये जो डेडलीस्ट ड्रोन, वर्ल्ड का सबसे डेडलीस्ट नैनो ड्रोन है, ये दुश्मन को 2 मिनट में ख़त्म कर सकता है और इससे फोर्सेस की कैजुअल्टी भी बहुत कम होती है। ये टेक्नोलॉजी इसराइल के पास था और हमने उससे लिया नहीं, और हमारे प्राइवेट सेक्टर Aero 360 चेन्नई बेस्ड कंपनी ने इसराइल से दुगना ताकतवर ये ड्रोन बना दिया, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में या कहीं भी जो हम आतंकवाद से लड़ते हैं उसमें काफ़ी कारगर होगा, हमारे कैजुअल्टीज बहुत कम होंगी। ये भी प्राइवेट कंपनी है। SSS डिफेंस ये गन्स बनाती हैं, एक से एक गन्स बनाती हैं, ये भी प्राइवेट कंपनी है। K9 वज्रा अपना जो हविटजर है, K9 वज्रा टैंक जो है, ये LNT ने बनाया है। टाटा C295 का बना रही है, आपका C295 जो ट्रांसपोर्ट प्लेन है वो बना रही है। टाटा और बोइंग मिलकर अपाची बनाती हैं। तो आप समझिए, प्राइवेट सेक्टर्स में अगर आप दोगे किसी को चीज़ें तो वो टाइमली डिलीवर होंगी और टाइम से पहले भी हो सकती हैं। K9 वज्रा 6 महीना पहले डिलीवर कर दिया गया था ऑफ द शेड्यूल टाइम, इसके लिए उसको 2 बार रिपीट ऑर्डर मिल गया है। तो आप समझिए, प्राइवेटाइजेशन में अब इंडिया भी जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसको बढ़ाना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारी कंपनीज फाइटर जेट्स भी बनाएं, बड़ी बड़ी मिसाइलें भी बनाएं, जैसे ब्रह्मोस, आपके सामने सबसे बड़ा एग्जांपल ब्रह्मोस का है। इसके जैसा ताकतवर क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल कोई नहीं है पूरी दुनिया में। इसे किसने बनाया है? प्राइवेट सेक्टर ने बनाया है। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं और इंडिया प्राइवेटाइजेशन के लिए जा रहा है हथियारों का, और बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। और इसी तरह से अगर प्राइवेटाइज होता रहा अपना, तो वो दिन दूर नहीं कि हम बहुत बड़ा सैन्य सुपर पावर बनने जा रहे हैं। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप जरूर बताएं कमेंट्स में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।